बिलासपुर के रोड़ा सेक्टर में जिला प्रशासन ने अवैध कब्जों को हटाने की सूचना जारी की थी, मगर प्रशासन की कार्रवाई के पूर्व भी भारी संख्या में भाखड़ा विस्थापित रोड़ा सेक्टर में एकत्रित हो गए। इस दौरान भाखड़ा विस्थापितों ने बताया कि अवैध कब्जों को हटाने की आड़ में बिलासपुर शहर में भाखड़ा विस्थापितों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, जो कि भाखड़ा विस्थापित परिवारों के साथ अन्याय है, क्योंकि भाखड़ा विस्थापितों ने अपना सर्वस्व त्याग कर देश की खुशहाली व प्रगति के लिए अविस्मरणीय बलिदान दिया है। हालांकि जो वायदे तत्कालीन केंद्र सरकार ने भाखड़ा विस्थापित परिवारों के साथ की थी, उन्हें भी पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि जब सेब की बागवानों के द्वारा दिए गए अवैध कब्जों को बचाने के लिए 5 बीघा भूमि को नियंत्रित करने की नीति बनाई गई, तो देश की उन्नति के लिए बलिदान करने वाले भाखड़ा विस्थापितों के लिए अलग नीति क्यों नहीं बनाई गई। भाखड़ा विस्थापितों ने प्रदेश सरकार को आगाह किया है कि भाखड़ा विस्थापित न्याय के लिए संघर्ष की राह अपनाकर अवैध कब्जे नहीं हटाने देंगे, जिसके प्रति प्रदेश सरकार उत्तरदायी होगी। अब देखना यह होगा कि ऐसी स्थिति में प्रशासन उच्च न्यायालय के अवैध कब्जों को हटाने के आदेशों की किस प्रकार अनुपालना करेगा।